यूपी के उन्नाव जिले की इस तस्वीर ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। नोट की गड्डियों से भरे बिस्तर पर दो बच्चे उन्हीं नोटों से खेलते नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते दिख रहे हैं। गिनते रहिए, बिस्तर पर हरे हरे नोटों की कुल 27 गड्डियां हैं और अगर इन नोटों को गिनेंगे तो इन 27 गड्डियों की कुल कीमत 14 लाख रुपए होगी। तस्वीर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला उन्नाव के SP सिद्धार्थ शंकर मीणा के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने आनंद फानन में मामले की जांच कराई। पता चला कि तस्वीर में नोटों के साथ दिख रही महिला और बच्चे बेटा मुजावर थाना प्रभारी रमेश चंद्र साहनी के हैं। फोटो का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनको थाना बेटा मुजावर को लाइन हाजिर कर दिया गया और संपूर्ण प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल SP सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बेटा मुजावर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच बांगरमऊ के CO को सौंप दी है। उन्नाव के बेहटा मुजावर थाने में तैनात थाना प्रभारी रमेश चंद्र साहनी 2 साल पहले हरदोई से ट्रांसफर होकर आए थे, जिन पर कई घटनाओं में लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं।